करती हूँ मेरे नए वीडियो में जिसका नाम है अर्थ लेयर एंड एटमॉस्फेयर। अर्थ सबसे पहले हम अर्थ के लेयर में चलते हैं। अर्थ में चार लेयर होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। सबसे पहले इनर कोर। इनर कोर जो होता है वो 1200 किलोमीटर मोटा होता है और वो एक सॉलिड बॉल है जो कि आयरन से बना होता है। अगला है आउटर कोर। आउटर कोर 2300 किलोमीटर मोटा होता है और इसमें पिघला हुआ आयरन और निकल होता है, और आप निकल ये देख सकते हैं। अब अगला लेयर है मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल में हार्ड रॉक्स होते हैं और लोअर मेंटल में जो होते हैं वो जो गर्म और पिघले हुए रॉक्स होते हैं। जब एक वोल्केनो इरप्ट होता है तो फिर जो मैग्मा होता है वो इसी लेयर से बाहर आता है। इस लेयर में मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। लास्ट लेयर है अर्थ का जिसमें हम लोग रहते हैं वो है क्रस्ट। क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का जो कि रॉक से बना होता है। ये 5 किलोमीटर से कॉन्टिनेंट्स के अंदर तक 70 किलोमीटर तक जाता है और सारे कॉन्टिनेंट और ओशन इसी के ऊपर रहते हैं। और अभी आप जाइएगा मत, अभी मैं आपको लास्ट में फैक्ट और ट्रिक बताऊंगी। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की ओर पर उठते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन से लेयर ऑफ अर्थ में आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है? तो इसका आंसर है मेंटल। जो इनर कोर होता है वो सॉलिड बॉल ऑफ आयरन होता है और जो आउटर कोर होता है वो मोल्टन आयरन और निकल होता है, और यही चीज उल्टा होता है मेंटल में। जो लोअर पार्ट ऑफ मेंटल होता है वो हॉट मोल्टन होता है और जो अपर पार्ट होता है वो हार्ड रॉक्स होता है। दूसरा क्वेश्चन, जो इनर कोर है वो कौन सा सॉलिड बॉल किसका बना हुआ है? तो हम लोग सबको पता है कि जो इनर कोर है वो आयरन का बना हुआ है। अब आप सोचेंगे मैं Fe क्यों लिखा, क्योंकि Fe एक सिंबल है, साइंटिफिक सिंबल है आयरन का। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें आयरन दिया ही नहीं था और असली तो आयरन है, इसलिए आंसर तो आयरन ही है। थर्ड क्वेश्चन, जो ये जो लेयर है वो 2300 किलोमीटर थिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आउटर कोर। जो इनर कोर होता है जो सॉलिड बॉल ऑफ आयरन है वो 1200 किलोमीटर थिक होता है, और जो ये आउटर कोर है ये 2300 किलोमीटर थिक होता है, और जो ये मेंटल है ये सबसे थिकेस्ट लेयर होता है 2900 किलोमीटर थिक, 2900, और जो क्रस्ट है वो बस 5 to 70 किलोमीटर तक थिक हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस कौन से लेयर पे लाई करते हैं? दोनों को पता है कि सब क्रस्ट पे लाई करते हैं। जो क्रस्ट है वो 5 to 70 किलोमीटर तक थिक होता है और इसमें सब कॉन्टिनेंट्स और ओशंस भी पाए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, जो मैग्मा है वो इस लेयर से बाहर आता है, तो इसका आंसर है मेंटल। अब देखिए ये डायग्राम, जो ये बड़ा सा होल है इसे हम लोग क्रेटर कहते हैं, और जो ये गिर रहा है गरम गरम ये लावा होता है, और जो अंदर है वो ये जो एक छेद होता है यहाँ पर ये मेंटल है, ये लेयर मेंटल है और यहीं से निकल रहा है वो मैग्मा। और जब जब मैग्मा अब अर्थ का जो एयर टच करता है तो वो लावा बन जाता है, हम लोग उसको लावा कहते हैं। और ये जो नीचे जा रहे हैं सब लोग वेंट है, ये वेंट है, और जो मैग्मा वो इस ऐसे में ऊपर जाता है ऊपर। अब फैक्ट्स, अब जो मेंटल है वो आपको क्या पता था कि मेंटल जो है वो 85% अर्थ का वेट कैरी करता है? इन्होंने अर्थ का वेट कैरी नहीं, अर्थ का वेट ही 85% है मेंटल। और जो दूसरा फैक्ट है वो जो डीपेस्ट मैनमेड होल है अर्थ में वो 12.2 किलोमीटर थिक है, डीप है। हम जो ह्यूमंस थे वो उसने और डिग इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अंदर बहुत गर्मी था, इसलिए और डिग नहीं किया। अब आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा। हम लोग आपको लेयर्स याद करने में एक ट्रिक बताते हैं। आप सीधे कॉमा सी याद कीजिए, क्योंकि कॉमा छोटे से है, ये सी सी ओ, ये कॉमा सी ओ से कोर और एम ए से मेंटल और सी से क्रस्ट। ये सी ओ से, ये सी ओ से कोर, ये एम ए से मेंटल और सी से क्रस्ट। थैंक यू। इसी साथ प्रैक्टिस सेट खत्म होता है।